बत्रा जी ने दिल्ली आए सन गुरपुरब ते, तो क्या जी 18 तारीक तो दास ने भी यही माननी चाहिए कि इस तो वधिया काम तो कोई नहीं हो सकता कि जन्मदिन का दिहाड़ा और सतगुरों की चरण मिल जावन, सात संगत के दर्शन हो जावन, गुरु की गोद बह के जो सुख मिलता है। लेकिन उस दिन यह उम्मीद नहीं की सी, आया तो दास इसी वास्ते सी कि चलो संगत सारी मिल के असीस करे कि जड़ी सेवा सतगुरों ने लाई है वो अच्छी प्रकार कर सकी है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने तो काफ़ियां नाराजगी भी सी, टाइम नहीं दे पाया, तो कह देता सी 30 तारीक तक, तो कई बच्चे इस गल करके कहता सी बच्चा मेरा करण कहता, बहुत सारे नाराज हो गए मेरे गलो कि शायद मैं ही नहीं मिलने देता। लेकिन ये तो वो करता सी जो, क्योंकि विचकार कुछ गुरपुरब दे दिन सन, कुछ प्रोग्राम लगातार निरंतर चल रहे सन, कुछ परिवार इज भी एक प्रोग्राम सी तो जिस समा देना पैंदा है, तो गुरपुरब भी सतगुर भगवान दास साहब जी का है कि 7 तारीक भोग नहीं पिया, निरंतर उस तो बाद चलता ही रहा, तो विचकार कुछ समय का इस तरह गौर करके, तो इत्थे पहले तो मैं ही माफ़ी मंगना कि मैं आप जी नूं समा नहीं दे सकिया, लेकिन हुण क्योंकि ये त्यौहार का मौका है, थोड़ी जी होर 2-3 दिन की माफ़ी, उस तो बाद दास साहब जी की सेवा च हाजर होएगा, कोई ऐसी गल नहीं है। बस यही असीस करो कि गुरु महाराज दे अरोगता बख्शे जे आप जी की सेवा भली प्रकार कर सकी है। ते नाल दास नू ए ते उम्मीद ही भी नहीं सी कि इतना वड्डा तोहफा संगत मिल के मैनू देगी, इतनी कृपा पाठ होंदे सन करदे ने, हुण भी होएगी अरदास, लेकिन आप विचकार शामिल हो गए, गुरु ने नाल मिला के संगत को भी होर बार भी जिस तरह बत्रा जी कह रहे सर, ये सेवा जड़ी संगत ने भी की, तो दास भी नाल हिस्सा बन गया उसका, तो आज कितना वड्डा खजाना, कितनी वड्डी बरकत झोली च लैके जावांगे, तो ये जड़ी माला ये भी असीस करना सारे मिलके, क्योंकि असीस ही लैना है आज संगतां दी, इन्नी मेरे बड़े भी ने, बजुर्ग भी ने, बच्चे भी ने, सारे ने, कहिंदे ना जिधर प्यार होंदा है वड्डा होवे या छोटा, प्यार भी लोड़े तो आशीर्वाद भी लोड़े, दोनों चीज़ां चाहीदियां, एक चीज़ नाल तो कम नहीं बनता, अगर आशीर्वाद दिलों ना होवे तो भी कोई फायदा नहीं, कहिंदे ना प्यार भी होवे तो आशीर्वाद भी होवे, तो वड्डियां दी असीस होवे आशीर्वाद होवे ते नाल संगत का प्यार होवे, क्योंकि परिवार विच बैठे हैं, शब्द भी यही चल रहे सन, एक पिता एक सके हम बारक, सब परिवार ही है मेरा, है जितने इत्थे शामिल हो सारा मेरा परिवार है, गुरु कृपा करे सब असीस करो, यही अरदास होवे ते गुरु नूं यही असीस करना, इकट्ठे होए आ कि देव अरोगता होए जे आप जी दी मैं भली प्रकार जितना जीवन है सेवा करा, यही मंगने आ गुरु कोलों, यही बख्शिश लैन आए हाँ अज, ते मैं कहना ना कि कुछ बोलने नहीं आया, मैं ते झोली लैके हटाई, मैं ते झोली हटाई, इहदे च असीसां लोड़ां सब दियां, गुरु कृपा करे ते नाल अगर कोई भुल चुक जाने अनजाने, जिस तरह बत्रा जी ने कहा ना,
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸੀ, ਸਭ ਭੁਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨ, ਨਾ ਗੰਢ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ, ਨਾ ਊਚ ਨਾ ਨੀਚ, ਨਾ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਵਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀਏ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਅਸੀਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਣ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਲ ਜੋਲ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਿਰੰਤਰ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਸਜਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਰਹੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਵਨ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦਾਸ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋੜ ਦੇਈਏ, ਕਦੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਦੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸੌ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ ਰੱਖੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ।
बाकी तो कृपा सब सच्चे पातशाह ने करनी है, गुरु ने करनी है, मालक ने करनी है। उन्हां दी कृपा बस यही अरदास करो सारे उन्हां दे चरणां विच, क्योंकि सच्चे पातशाह जी का हुक्म होंदा सी कोई भी असी वेखदे सां कहिंदे हापड़ चला जा, ते हापड़ वाले ते सी ते गवाह ने, गवाह इस करके नहीं कि हापड़ वाले गवाह ने कि सिर्फ हापड़ वालियां नूं सी, नाल ये भी वचन किए सी, ये नहीं कि ये क्योंकि किसी गुरसिख ने उस टाइम कह दिता सी जदों चोपले ते दुकानां दा नुकसान होया सी ते वह बच्चे जड़े परेशान होए सन ते वह कहण लगे कि ये तो साढ़े वास्ते 47 दोबारा बन गया कि साढ़े वड्डियां ने तो तकलीफ की सी, आए सन मसां रोजी रोटी जोगे होए सां ते फिर दोबारा ये काम आ गई। तो सच्चे पातशाह ने कहा चिंता करने की लोड़ कोई नहीं, सतगुर सेवा राम जी के वचन सन। तो फिर उन्होंने कहा सी जड़ा जड़ा इत्थे जाके हाजरियाँ भरेगा पलंग साहब की सतगुरां की गोद बह के उन्हों दुकाना की किसी चीज़ की कमी नहीं होएगी। तो अज वेखने वो परिवार साढ़े विच ने जिथे एक एक दुकान कहते गई, अज उन्हां दियां दो दो तीन तीन या उस तो भी ज़्यादा दुकाना है एक बंदे दियां। तो गुरु ने इतनी बरकत पाई तो उस टाइम जदों क्या जी ये हापड़ वालियां ते सख्ती आई है, कहने लगे सख्ती जड़ी है गुरु के जड़े खजाने ने वो सब वास्ते खुले ने। तां सच्चे पातशाह ने एक वचन किया कि यह ना समझो कि इन्हां वास्ते ने, यह तो इन्होंने उन्होंने वचन कर दिता। कहने ना मालक का जो वचन हो जाए तो कहने ना जरा ताला खोलने लगे सामने जरा चौकीदार होता उन्होंने भी फिक्र नहीं होंगी, कहने मालक का हुक्म है लै जा सारा मैं की कट के कहना मैंने तो आर्डर होया वे दो इन्होंने। तो असी इतने आईए तो गुरु महाराज उन्हों का जोड़ा आर्डर साढ़े नाल है, ये नहीं है कि वह आर्डर जो वचन करके अटल है, वो जी बरकत है वह अटल है वो सदा वास्ते वे। तो जड़ा भी अंदर जाए मन करके इस तरह नहीं, एक एक होंदा आदमी भुखा, वो कहावत सुनी है ना कि एक बंदे दी कोई कुलाड़ी या कुछ इस तरह गुम गई सी, तो संता महापुरशा को गया उन्होंने कड़ी गया ले ले जा कहंदे ते सोने दी है, वो दूजे ने वेखी जदों कहने उन्होंने दे वो परेशान सी बेचारा वो गुम गई सी औजार सी ते उन्होंने उन्हों सोने दी दे दी। वो जदों नाल बैठा दूजा आदमी वेख रहे थे कहने ते बड़ा वधिया हो गया काम, अगले दिन वो भी कहना जी मेरी भी गुम गई है, कहना गुम गई है तो जाके ढूंढ लै फिर। तो मतलब कि यह गल नहीं होंगी कि मन साड़ा जड़ा ना साफ होना चाहिए, गुम गई मतलब कि चलाकी हो गई ना, वो गुरु जदों देंदा वो तो मालक है सोने की देवे चांदी देवे और वधिया कोई चीज़ हो गए, लेकिन साढ़े अंदर सच्चाई हो गई। कहने का मतलब ये है कि असी सच्चे मन न लाइए और जितना सानू लोड़ है उतना मंगी है, कम असी चलाने हैं करने हैं थोड़े चलते आदमी कहता सच्चे पातशाह सौखी तरह सौखी तरह सौखी का मतलब समझना कि सौखा असी तो मैं तो उस चीज़ को गिणना कि सौखा उन्होंने कहने कि जदों असी जाइए गाहक ताई आवे, नहीं आते तो ना सही है तो आ रहे हैं गाहक, वो बरकत मिल जाए तो बेफिक्र हो आदमी कहता कोई गल नहीं मैं बैठा जावगा तो बहुत सारे आ जाएंगे, मैं जावगा अंदर मालक को कहवगा मेरी झोली बरकत पा के भेजना। तो ऐसी चीज़ा जो तो बरकत मन करके जाने ना, हूँ ये कही है कि वो कोल ढेर आया तो मैं भी ढेर दे दे, वो जी बिरती भी सानू बनानी पेगी, वो जी सोच भी सानू बनानी पेगी, साढ़े अंदर जी खोट है ना वो खोट असी कट देिए, खोट अंदरों निकल जाएगी ना तो फिर किसी गल की काम नहीं रहेगी। असी कई बार मन साड़ा कई बार मैं गल कहना कुछ होर कहता तो जबान कुछ होर कहती है,
तो इसका मतलब एक ही चीज़ एक ही आदमी उदियाँ दो मंगा ने मन कुछ और मंग रहा है जबान कुछ और कह रही है तो मतलब सच्चाई है ही नहीं। मन करके जो परमात्मा के लो मंगागे तो जबान तो वो ही चीज़ आवे जो मन में है और सच्चाई वाली, यानी कि मन करे कि हवाई जहाज मिल जावे, ये नहीं कि मिल नहीं सकता, वो भी मिलेगा। गुरु जुगत जदों बना देगा ना, हवाई जहाज कोई बड़ी चीज़ नहीं हैगी। ये नहीं कि सरकारां चलांदियां प्राइवेट लोगों को भी होंगे, लेकिन उदे वास्ते किरत करनी पैंदी है, उतनी व्यवस्था बड़ा नहीं। एक आदमी साइकिल का मुहताज होवे तो कहे मैं हवाई जहाज मिल जाए तो वह हवाई जहाज साइकिल तो हवाई जहाज बनने तो टाइम लगेगा ना, गल समझ लो। तुसी आप वेख लो सारे बैठे हो, सारिया ने अपना जीवन वेख्या साइकिलों वास्ते असी मेरे कितने तरसे हैं दसो, कितने सारे साथ बैठे हैं ना सारे सामने, कितने रोंदे सी बच्चे होंदे सी जी एक साइकिल लैके दे दियो, समझ नहीं आती सी आपके पास 300 रुपये नहीं है तो साढ़े जमाने 250 रुपये की नवी साइकिल आ जाती सी। अज एक एक बच्चे का 250 रुपये रोज का खर्चा है, ये गुरु की बख्शिश ही है ना। तो जिथे साइकिल की सोच नहीं रखते सा उत्थे कारा में घूम रहे हैं, तो जिस मालक ने सानू इत्थे तक पहुँचा दिता तो उत्थे तक क्यों नहीं पहुँचा सकता, समा लगे है ना। हुण गल समझ आनी शुरू हो गई है, तो बचपन सी तो बचपन च फरेब नहीं सी मन च, वड्डा होंदा ना इंसान तो नाल चलाकियां आंदियां, वो जो सब मिक्स होंदा ना कहिंदे वो गैस बनती है। तो गैस का काम की है, गैस उड़ाती है बंदे नूं हवा, वो जो उड़ना शुरू होंदा तो काम नहीं होंदा। सच्चे पातशाह कोल जान कदे कदे कहिंदे सन बच्चे उड़दियां पिछे ना दौड़ो, थलवियां भी निकल जाणगियां ने, उड़दियाँ तो हथ नहीं आनियाँ, जड़ियाँ उड़दियाँ हुई उत्ते वो हथ नहीं आनियाँ क्योंकि सानू उड़ना नहीं आता। तुसी उत्ते वार छलांगा मारोगे पता चलेगा थलो निकल गया कुछ, तो वह कम ना करिए। गुरु कोलो ये बख्शिश मंगिए कि सानू बस स्थिरता देवे, टिका देवे, कहने का मतलब ये कि टिका देवे। तो गुरु कोलो सिर्फ की मंगिए बख्शिश मंगिए तो बरकत मंगी है, तो बरकत का मतलब ही यही है कि संतुष्टि। तो जिस बंदे संतुष्टि आ गई वो कोल थोड़ा भी होएगा ना, थोड़ा भी होएगा, लेकिन इतना रजिया हुआ होएगा जितना करोड़ों का मालक रजिया नहीं होएगा, क्योंकि वो हमेशा तड़पता रहेगा होर होर होर। तो वो कहेगा बस मैनू जितना चाहिए सी उस तो ज़्यादा मिल गया, मैनू फिकर नहीं। तो संतुष्टि गुरु कोलो यही मंगी है कि संतुष्टि होवे, तृप्ति होवे, तो बरकत वाली होवे, जो मन साड़ा टिकाने रवे। मुथाजी नहीं चाहिदी किसी की, बस इको ही गुरु कोलो इत्थे आए हैं बख्शिश मंगी है सच्चे पातशाह, मुथाज ना करी किसी का, किसी अगे हाथ ना अड़ना पवे, मुथाज ना करी किसी का, बस आप दे चरणा जाने अपने चरणा का मुथाज करी, जो मंगना है आप तो मंगना है, तो आपने ही विद बनानी है, तो आपने रस्ता कटना है। और वेखे असी अजमा के जेड़े काम खाली हाथ नाल कीते, मेहनत लग के कीते, उदे ही साड़ी ईमानदारी नाल सी, सच्चाई नाल सी, क्योंकि लोड़ सी सानू कि मेरे को ते यही है बस, इस तो अलावा और कुछ नहीं। तो गुरु ने बरकत पाई, जो तो बरकत पाई तो काम शुरू किया, होर भी हूँ पैसे आ गए, होर बड़ा काम करिए। हूँ उस टाइम मैं समझना कि वड्डे का मतलब यही समझ सकने कि मन सी कि होर बड़ा होएगा तो होर ज़्यादा हो जाएंगे, पता चलिया जड़े पैसों नाल काम किए वो कामयाबी ही नहीं मिली, वो लोगों वास्ते किते अपने वास्ते किते ही नहीं। तो जड़े अपने वास्ते किते अज भी बरकरार ने चल रहे ने, क्योंकि गुरु की कृपा से। गुरु कोलो बख्शिश मंगो कि बस
संतुष्टि होवे, टिका होवे। इतनी बेनतियां परवान फुलां चुकां दी शम्मा ते दास फिर एक बार दो हाथ जोड़ के यही कहेगा कि अरदास करो। आज दे दिन गुरु महाराज चोली जो दास लैन आया आप दी असीस भी आवे तो सेवा भी पवे ते आप दी संगत दी पली प्रकार सेवा कर सकी है। ये अरदास सबने हुण मिल के करनी है, गुरु कृपा करे। इतना कहंदे ये थे संकोच। तन तन सतगुरु भगवान दा साहेब आप जी दी तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी तन तन साहेब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट।